इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मदीना मस्जिद रिलीफ फाउंडेशन बेलगाम की तरफ से हम लोग सब डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात किए। सबसे पहले मैं उनको बेलगाम उनकी पोस्टिंग के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा। और हम लोग का मिलने का मकसद था प्रेजेंट सिचुएशन जो कोविड-19 के ताल्लुक से है, उनके साथ में डिस्कशन का हमारा मोटिव था। सर से बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। बात सर ने बहुत गौर और फिक्र से हमारी बात सुनी। सुनने के बाद नोट डाउन किया पूरे पॉइंट्स हमारे। तकरीबन आधा घंटा हमारे साथ में बात हुई और फॉलोइंग पॉइंट्स के ऊपर हमारी उनके साथ में डिस्कशन हुई और हमने उनसे अपील, रिक्वेस्ट और मुतालबा रखा है हमारा। पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए पॉइंट्स में, तो जो हमारे पॉइंट्स थे, लगे सर हर एक पेशेंट को कोविड पेशेंट की तरह के ट्रीट किया जा रहा था। हमने सर के सामने बात रखा, फैमिली मेम्बर्स की जो हरेसमेंट हो रही है और हॉस्पिटल में जो लगे सर कमी कोताही पेशेंट्स के इलाज में जो हो रही है, तो सर से हमने रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर्स को थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ। इमीडिएट रिक्वायरमेंट प्राइवेट लैब्स की जो रिक्वायरमेंट है टेस्टिंग के लिए हो, फिर स्वैब टेस्ट की हो, जो भी उसमें डिले हो रहा है, काफ़ी कम एक या दो लैब्स हैं हमारे पास, तो तालुका लेवल से लेके सिटी लेवल में प्राइवेट लैब्स को परमिशन दी जाए स्वैब टेस्टिंग के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए सर को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन के लिए। पॉलीक्लिनिक्स को प्राइमरी लेवल पे लेके सर पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए सर को हमने रिक्वेस्ट किया इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तालुका लेवल पे जो पेशेंट्स हैं तालुका लेवल पे ट्रीट किए जाएं और उनके जो टेस्टिंग है तालुका लेवल पे करके उनको वहाँ पे सेंटर बना के वहीं पे ट्रीट किया जाए सर। फिर जो डेड बॉडीज़ हैं जो पॉजिटिव लगे सर कोरोना के से इंतकाल हो रहे हैं, उसके ताल्लुक से बात हुई कि डिले हो रही है बॉडीज़ रिलीज़ करने में, तो सर को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि उनसे लगे सर कि बॉडी वो उसका प्रोसीजर थोड़ा लगे सर फास्ट किया जाए। सर ने बहुत गौर और फिक्र से हमारी बात सुनी। तकरीबन आधा घंटा हमारे साथ में रहे, बात किए, पॉइंट्स हमारे सुन के जो गवर्नमेंट का काम है वो हम लोगों को समझाया कि गवर्नमेंट जो कर रही है वाकई लगे सर तारीफ़ के काबिल है। जो इतने लेवल इतने बिजी शेड्यूल में सर ने हमें जो टाइम दिया और जो गवर्नमेंट का काम जो चल रहा है उसके ताल्लुक से हम लोग को आगाह किए, इससे बज़ाहिर लगे सर मेरी और मेरी टीम की बड़ी लगे से हिम्मत अफजाई हुई सर के साथ में बात करने का, काम करने का जज्बा बढ़ा। इसके लिए मैं लगे सर हमारे पूरे मदीना मस्जिद की तरफ से डीसी सर को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह उनसे उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी उनका कोऑपरेशन रहेगा और हम लोग लगे सर हमारे 100% का कोऑपरेशन का उनको हम लोग एश्योरेंस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।